मोहम्मद सिराज ने बदला 91 साल का इतिहास, अकेले ही लगा दी श्रीलंका की लंगा, एक ओवर में 4 विकेट झटक कर बदल दिया है क्रिकेट इतिहास। जी हम बात कर रहे हैं भारत और श्रीलंका के बीच में खेले गए फाइनल मुकाबले की, एशिया कप का महामुकाबला। कहने को तो ये स्पिन ट्रैक वाली पिच थी, लेकिन देखने को मिले भारतीय गेंदबाजों का जलवा, जिसमें मोहम्मद सिराज ने तो अपनी गेंदबाजी से श्रीलंकाई बल्लेबाजों का धागा ही खोल कर रख दिया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 विकेट लेकर मोहम्मद सिराज ने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है और क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिला है। और इसी गेंदबाजी लाइनअप की तारीफ अब पूरी दुनिया में हो रही है। हम आपको विकेट बाय विकेट पूरा हाईलाइट दिखाएंगे, बताएंगे कैसे मोहम्मद सिराज ने एक बहुत बड़ा इतिहास रचा और मोहम्मद सिराज कहीं न कहीं कैसे वो पहले गेंदबाज बन चुके हैं। जब बात कर रहे हैं एशिया कप 2023 के इस बड़े मंच के हाइलाइट्स की, जहां दिखाएंगे सिराज के उस ऐतिहासिक स्पेल के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी सिराज को मानते हैं दुनिया का बेस्ट बॉलर, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए आप सिराज के बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आप सिराज के इस प्रदर्शन से खुश हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच में एशिया कप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। कहने को श्रीलंकन क्रिकेट टीम एक इनफॉर्म टीम थी, क्योंकि वो पाकिस्तान को अंधे मुंह गिरा कर आ रही थी। और श्रीलंकन क्रिकेट टीम में हालांकि कोई ज्यादा बदलाव थे नहीं, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम में 5-6 बड़े बदलाव प्लेइंग 11 के अंदर किए गए। वैसे वो खिलाड़ी जो बांग्लादेश के खिलाफ आराम दिया गया, उनकी वापसी कराई गई और उसके साथ में वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया। लेकिन उसके बाद भारत ने टॉस हारा, लगा कि यहाँ थोड़ी दिक्कतें हो जाएंगी टीम इंडिया को। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अंडर लाइट टीम इंडिया को दिक्कतें हो सकती थी, लेकिन किसको पता था कि ये मुकाबला शाम तक भी नहीं पहुंच पाएगा। बात करें अगर भारतीय गेंदबाजी लाइनअप की, तो शुरुआत जसप्रीत बुमराह ने बहुत ही अच्छी करी। अगर आप जसप्रीत बुमराह की बात करेंगे तो पहले ही ओवर में कुशल परेरा को चलता किया और 1 रन पर 1 विकेट, लेकिन उसके बाद वो सारा काम मोहम्मद सिराज को थमा दिया गया। सिराज के हाथ में गेंद आई और नई गेंद से उन्होंने जो विकेट झटके वो काबिले तारीफ रहे हैं। मोहम्मद सिराज के विकेट की बात की जाए तो पहला विकेट 4th ओवर में भारत के पहली गेंद पर सिराज ने निशांका को आउट कर दिया। निशांका बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े रविंदर जडेजा को कैच थमा देते हैं और वह 4 गेंद पर 2 ही रन बना सके। दूसरा विकेट मोहम्मद सिराज का इस टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी करने वाले सदिरा समर विक्रमा का इस मुकाबले में फ्लॉप हुए। उन्होंने सिराज के 4th ओवर की 3री गेंद पर आउट कर दिया गया। समर विक्रमा खाता खोले बगैर ही LBW का शिकार हो गए। मोहम्मद सिराज का तीसरा विकेट 4th ओवर की 4थी गेंद पर, सिराज को 3री सफलता मिली और इस बार उनका शिकार चरित अश्लंका बने। उन्होंने कवर की और शॉट खेला और ईशान किशन ने शानदार कैच लिया। अश्लंका खाता भी नहीं खोल पाए, मतलब सिराज ने एक ही ओवर में 3 विकेट ले लिए थे 4 गेंद के अंदर और थे ऑन अ हैट्रिक, लेकिन उन्हें हैट्रिक तो नहीं मिली। धनंजय डिसल्वा उनका 4था शिकार बने, लेकिन उसी 4थे ओवर में आखिरी गेंद पर धनंजय डिसल्वा सिराज की आउटस्विंगर गेंद को ठीक से नहीं खेल पाए और गेंद विकेटकीपर केएल राहुल के हाथों में चली गई। डिसल्वा ने 2 गेंद पर 4 रन बनाए, उन्होंने एक चौका लगाया। पांचवें विकेट की बात करी जाए तो वो 6 ओवर में 4थी गेंद पर सिराज ने 5वीं सफलता हासिल करी। उन्होंने वनडे कैरियर में पहली बार किसी मैच में 5 विकेट लिया है। सिराज का शिकार इस श्रीलंकाई कप्तान दासुन सनाका बने। सनाका ने 4 गेंदों का सामना किया, वह खाता खोले बगैर क्लीन बोल्ड हो गए। और सिराज का 6वां शिकार 12वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए, उन्होंने 2री गेंद पर कुशल मेंडिस को आउट कर दिया और सिराज ने टोटल 6 विकेट अपने नाम कर लिए। तारीफ मोहम्मद सिराज की इसलिए भी क्योंकि 7 ओवर का एक बड़ा स्पेल फेंका, 21 रन खर्च किए, 6 विकेट लिए, उनके कैरियर का तो बेस्ट है ही, लेकिन ये भारतीय इतिहास के लिए भी बेस्ट बन चुका है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। हम आपको बता दें कि मोहम्मद सिराज का कहर नहीं थमा और भारतीय क्रिकेट में ऐसा पहली बार देखने को मिला है 1932 के बाद जब भारत ने क्रिकेट में कदम रखा। अभी तक 91 साल के इतिहास में भारतीय क्रिकेट में तो कोई ऐसा बॉलर देखने को नहीं मिला जिसने एक ओवर में 4 विकेट झटक कर विरोधी टीम के परखच्चे उड़ा दिए। फाइनल में सिराज ने 15 गेंद के अंदर ही पंजा खोल लिया और श्रीलंकाई टीम को तहस नहस कर दिया। ये ध्यान देने वाली है कि पहली 15 गेंदों पर सिराज ने अपनी पहली 15 गेंदों पर पंजा खोल लिया, जो कि बहुत बड़ा इतिहास है। और ऐसा करने वाले वो दुनिया के 4थे गेंदबाज बने हैं। जी हाँ, इससे पहले चामिंदा वास कर चुके हैं, इससे पहले मोहम्मद शामी कर चुके हैं, आदिल रशीद ये कारनामा कर चुके हैं और वो 4थे बने हैं। लेकिन
वो पहले 15 गेंदों पर करने वाले बने हैं। तो बहुत ही कमाल की गेंदबाजी उनकी तरफ से देखने को मिली है। सिराज ने अपने वनडे कैरियर में 50 विकेट भी पूरे कर लिए हैं और वो सबसे कम गेंदों में 50 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने हैं। सिराज ने 1002 गेंदों में इस आंकड़े को छुआ और इस स्थान पर पहले स्थान पर श्रीलंका के अजंता मेंडिस थे। और यहां पर भी सिराज ने इतिहास रचा है कि सबसे कम गेंदों पर 50 विकेट लेने वाले वो दूसरे गेंदबाज है। भारत के लिए अगर मोहम्मद सिराज की बात की जाए तो 2002 के बाद शुरुआती 10 ओवरों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले वो तेज गेंदबाज बन गए हैं। सिराज ने श्रीलंकाई पारी के 10 ओवरों के अंदर 5 विकेट चटकाने के बाद वो पहले गेंदबाज जो 2002 के बाद सर्वाधिक पावर प्ले में भारत के लिए विकेट लेते हैं। तो सिराज ने बहुत बड़ा इतिहास रचा है, दुनिया में अपना नाम कमाया है।